सो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। मैं घर आ चुका हूँ। यहाँ बारिश जैसा मौसम हो रहा है। एक्चुअली वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी एंड यहाँ पे नहीं है इतनी ह्यूमिडिटी। यहाँ हवा चल रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है। सो मैं रात में आया था 11:30, देन हमने खाना खाया तो 12:30 तक हो चुका था। एंड अभी टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 9:30 और मैं बहुत लेट उठा हूँ। मैं 9:30 पे ही उठा था। अभी जस्ट मैंने फ़ोन उठाया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी, फ्रेश होके नहा धो के अपना व्लॉग एडिट करूँगा जो कल का और परसों का था, मतलब यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे का। सो आई विल एडिट बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड उसे कंबाइन करके अपलोड करूँगा, क्योंकि अब अलग अलग अपलोड करने का फ़ायदा नहीं है। सो आई विल अपलोड देम टुगेदर इन अ कम्बाइंड वीडियो, कम्बाइंड ब्लॉग, एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिए या वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगी। सो यार मैं अभी अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और पोहा खा रहा हूँ एज ब्रेकफास्ट। यहीं पे देखो, यहीं पे मेरा सेटअप है। देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर मैकबुक होता मेरे पास तो मैं मैकबुक पे एडिट कर लेता, बट अभी मेरे पास सिर्फ आईफोन है तो आईफोन पे ही मैं सारा एडिटिंग करता हूँ। तो फिर मैं ये लगा लेता हूँ एक्सटेंशन लगा के करता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों बोल रहा है, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। 11 बज चुके 11 बजे मेरा व्लॉग आ जाता है, बट दिक्कत हो गई है आजकल। सो कल से आपको एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाएगा एंड आज मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैंने अभी अपने 2 लेक्चर पूरे कंप्लीट करे हैं एंड आई हैव टेकन लेक्चर्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। उसमें ये होता है कि आपको एक पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बिहाफ पे आपको 2 अजम्पशंस दी हैं। अब कौन सी अजम्पशन उस स्टेटमेंट पे फिट बैठती है, मतलब उस स्टेटमेंट से रिलेट करती है, सो यू हैव टू सी दैट एंड यू हैव टू चूज द ऑप्शंस। एंड मैं अभी वही लेक्चर ले रहा था। मैंने अभी इसकी एक्सरसाइज 3A कम्प्लीट कर ली है एंड मैं इतने दिनों से पढ़ा नहीं था तो फ्रेश माइंड था, तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है पढ़ने में। एंड मैं एग्जैक्ट 12:00 बैठा था क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम हो गया था। सो मैं एग्जैक्ट 12:00 बैठा एंड अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 1:54 एंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैंने पढ़ लिया है। सो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा एंड लंच करूँगा, एंड लंच करने के बाद मैं अभी फिर से अपना एक लेक्चर लूँगा। इट्स गोइंग गुड। बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं कि भाई व्हाई आर यू जस्ट गोइंग सो डीप, मतलब इतने डीप क्यों पढ़ रहे हो, ऊपर से पढ़ो, अब 30 दिन ही बचे हैं, ये है वो है, अपना क्वेश्चन पेपर्स करो। देखो क्वेश्चन पेपर तो मैं रीड कर ही रहा हूँ, मैं अपना पैराग्राफ कर रहा हूँ, मैं अपने रीडिंग सेक्शन पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपना आधा टाइम अपने क्वेश्चन पेपर्स को रीड करता हूँ, एनालाइज करता हूँ उन्हें। एंड आई थिंक जब तक हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आप जितना डीप पढ़ोगे उतना ही पेपर में अच्छे से आप कर पाओगे। मान लो अगर आपने अब क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा और आप ये सोचते हो कि भाई मैं ऊपर से पढ़ के जाऊँगा सो हो जाएगा, जैसे भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको इसके जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट टॉपिक डीपली, यू कॉन्ट जस्ट फेस द क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप उस टाइम नर्वस हो जाओगे, आप ये सोचो कि भाई मैंने तो ये पढ़ा था फिर क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। सो मैं इसलिए पूरा डीप पढ़ता हूँ एंड ये नहीं होता कि भाई क्वेश्चन पेपर ही रीड करते रहो पूरे टाइम, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो। वो टाइम तब होता है जब आपने पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लिया हो, बट स्टिल मेरा सिलेबस अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। मैं अभी भी अपना सिलेबस कर रहा हूँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दोज टॉपिक्स आई विल बी कमिंग टू माई क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मोर। सो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर लंच। लंच करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो अभी लाइव सेशन चल रहा है और लाइव सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 82 तक पहुँच गया हूँ एंड MCQs चल रहे हैं एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद ही सारे करूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मेरे को नहीं भी आते हैं। सो आई एम बुक ओपन है एंड मैं समझ समझ के
देन आंसर दे रहा हूँ। यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, इतनी ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब एज इतनी आंधी भी नहीं है, हवा चल रही है लेकिन उसके साथ इतनी ज़्यादा डस्ट है, कुछ नहीं दिख रहा। वैसे सर्दियों में फॉग नहीं होता, कुछ भी नहीं दिख रहा। जल्दी उठाऊँ कपड़े और जल्दी अंदर जाऊँ क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं। सो मैंने 2-3 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं देखा है, एंड मैंने साकेत गोखले का ये वाला ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं देखा, एंड आई वॉज लाइक वाओ, इसका फ़ोटो शूट हो रहा है, इतनी बड़ी प्रोग्रेस है, कैन यू इमेजिन, भले इसका दोस्त कर रहा है फिर भी। एंड मैं अभी अपने मतलब ब्रेक टाइम में आई एम सीइंग दिस। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? That I could drop it, bro.
got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to. Greedy.